नमस्कार बच्चों, आज विषय मैथ। और विषय मैथ में आज चालू करेंगे हमें संख्याओं के बारे में, संख्या ज्ञान। सबसे पहले तो संख्याओं को पढ़ा कैसे जाता है, तो संख्याओं को पढ़ने के लिए थोड़ा संख्या ज्ञान होना ज़रूरी है। लगभग 1000 तक की तो संख्या कक्षा 6 के बच्चों को याद रहती है, उसके आगे की संख्या याद करना उनको कैसे पढ़ा जाता है वो देखेंगे पहले। इसके लिए अपने को ये पता होना चाहिए पहला अंक इकाई का होता है, उसके बाद में दूसरा अंक दहाई का, फिर तीसरा अंक सैकड़ा, फिर 1000, फिर 10000, इस प्रकार से पढ़ा जाता है। लाख तक की संख्याओं का अपने को ज्ञान होना जरूरी है कक्षा 6 तक, और हमेशा संख्याओं को इस तरफ से गिना जाता है या इस तरफ से पढ़ा जाता है। जैसे उदाहरण है, यदि संख्या को आपको पढ़ना हो तो कैसे पढ़ेंगे, इस तरफ से जो पहला अंक होता है वो होता है इकाई अंक, पहला अंक इकाई अंक, अगला अंक दहाई का होगा, उससे अगला अंक सैकड़ा, फिर 1000, उसके बाद 10000, और एक संख्या लिख दो ये होगा लाख। कक्षा 6 में लाख तक की संख्याओं का सामान्य ज्ञान हम पढ़ेंगे। पहला अंक बताए इकाई का, हमेशा इधर से पहला अंक इकाई का होगा, उसके बाद में दहाई का, फिर सैकड़ा, फिर 1000, फिर 10000 और लाख। लाख के आगे भी थे 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो इसको पढ़ते कैसे वो देखो, जहाँ पर 10 आ जाए, क्या आ जाए, 10, जैसे 10000 है, दहाई है, इन 10 वाले संख्याओं को, दो संख्याओं को एक साथ बोला जाता है। जैसे इस संख्या को बोलेंगे तो इकाई दाई, दाई पर कितनी संख्या एक साथ बोलेंगे, दो संख्या, ये सैकड़ा, 1000, 10000। तो 10000 में कितने अंक एक साथ बोलेंगे, दो, कौन कौन से, 10000 में 1000 और 10000 दोनों, और ये है लाख। तो संख्याओं को यदि बोले तो क्या बोलेंगे, 3, क्या है, 3 लाख, तो क्या बोलेंगे, 3 लाख। उसके बाद में 4 है, 4 कौन सा है, कौन से स्थान पर है, 10000 वाले स्थान पर है, तो 10000 वाले स्थान पर है, तो मैंने ये बताया कि 10000 वाले स्थान पर दो संख्याओं को एक साथ बोला जाएगा। कितने को बोलेंगे, दो संख्या 43 है, तो इसको बोलेंगे 43। कौन सा 43 का स्थान है, 1000 पर, तो 43 1000, यहाँ तक हो गया। इसके बाद में है सैकड़ा पर 2, तो सैकड़े को बोलेंगे 100 के द्वारा, किसके द्वारा, 100 के द्वारा, तो सैकड़े पर अंक 2, तो ये बोलेंगे 200। उसके बाद में 6 पर दहाई का अंक है, और मैंने ये बोला दहाई के अंक में भी दो अंक एक साथ बोले जाएंगे, कौन कौन सा, इकाई और दहाई का, कितने हैं, 65। ये हो गया संख्याओं को लिखना या संख्याओं को पढ़ना।
तो इसके लिए एक सारणी के द्वारा इसको समझेंगे। एक सारणी बना रहे हैं। जब आपको संख्याएं पढ़नी हो तो कैसे पढ़ेंगे? तो पहला है इकाई अंक, फिर दाई अंक, फिर सैकड़ा, फिर हजार और फिर लाख। इस हजार वाले में दो अंक आते, एक तो हजार वाला भी आता है और एक आता है दस हजार, एक आता है दस हजार। लाख में भी दो आते हैं, लाख और दस लाख, लेकिन संख्या ज्ञान के लाख तक पढ़ेंगे, खूब लाख तक। और इकाई और दाई वाले अंक को एक साथ बोला जाएगा। यदि इकाई का अंक अकेला ही हो तब तो अकेले को बोल देंगे, और दाई का भी हो तो दोनों को मिलाकर ही बोल देंगे। सैकड़ों को बोलेंगे सौ के द्वारा। देखो जैसे संख्या लिख रहा हूं मैं, ये संख्या शुरुआत करें, आठ क्या है दस हजार और सात है हजार, दोनों किसमें है हजार वाले में है। दस वाले पर है तो मैंने ये बताया दस वाले पर दो संख्या एक साथ बोली जाएगी, तो कितना ये सतासी, सत्यासी हजार हो गया इसका। अगला अंक है सैकड़े का, सैकड़े को बोलेंगे सौ के द्वारा, तो कितना है दो सौ, दो सौ। उसके बाद में दाई और इकाई दोनों को एक साथ बोलेंगे कितना, पैंतीस। और उदाहरण लिखे सात तीन जीरो पाँच एक, सात जीरो नौ जीरो चार। दो नंबर वाले को यदि पढ़े तो यहाँ से शुरू करेंगे, देखते इधर से पहला अंक इकाई का, फिर दाई का, फिर सैकड़ा, फिर हजार, फिर दस हजार। तो कितने हजार है, ये दस हजार है। दस हजार में मैंने ये बोला था आपको कि दो अंक एक साथ बोले जाएंगे, तो दस हजार वाले में दो अंक कौन से हो गए, ये हजार वाले पर। दोनों स्थान हजार पर आते हैं, एक हजार और दूसरा होता है दस हजार। तो दस वाले पर दो अंक एक साथ बोले जाएंगे, कितने हो गए ये पंद्रह, हजार। उसके बाद में सैकड़ा पर जीरो है तो ये नहीं लिखना, जीरो सौ। जब कोई अंक जीरो हो तो उसको बोलना नहीं है, जब वो यहाँ पर दस वाले पर आए, यहाँ पर आए या दाई पर। मान लो वही अंक इकाई पर आ जाए तो जब दो अंकों को बोला जाएगा तब वो जीरो किसके साथ बोला जाएगा, दाई के अंक के साथ बोला जाएगा। तो इसमें जीरो यानी इसका मतलब है सैकड़े वाले स्थान पर कुछ भी नहीं है। फिर तीन, तीन है दाई पर और मैंने बोला दाई पर दो अंक एक साथ बोले जाएंगे, दाई और इकाई, कितने हो गए सैंतीस। इसी प्रकार जो तीसरा है इकाई दाई सैकड़ा हजार और दस हजार, दस हजार पर है, ये भी हजार की श्रेणी में और ये भी हजार की श्रेणी में। दस पर यानी दो अंक एक साथ बोलेंगे जाएंगे, कितने हो गए
70,000। फिर बोला जाएगा नौ, नौ कौन से स्थान पर है, सैकड़ा वाले स्थान पर है, तो इसको बोलेंगे नौ सौ। आगे दाई पर जीरो है तो कुछ नहीं बोलेंगे, इकाई पर है चार तो क्या होगा चार। ये हो गया संख्याओं को पढ़ना। अब इसमें हम पढ़ेंगे संख्याओं को शब्दों में लिखना और संख्याओं को अंकों में लिखना, इन दो के बारे में हम पहले बातें करेंगे। तो पहले पढ़ेंगे संख्याओं को शब्दों में लिखना। संख्याओं को शब्दों में लिखना। संख्या दे रखी होगी और उनको लिखना है शब्दों में। पहला है 4, 3, 7। दूसरा है 0, 9, 5, 7, 5, 0। 14, 32। दस हजार तक की संख्या देखेंगे पहले। पहला जो अंक है या पहली जो संख्या है, अंक होते हैं अलग अलग, जैसे इसको अंकों में अंक बोले अलग अलग, तो 4, 3, 7 जिसमें 7 इकाई का अंक है, 3 दाई का अंक है और 4 सैकड़े का अंक है। तो ये तो इकाई अंक, ये है दाई अंक और ये है सैकड़े। मैंने ये बोला जो सैकड़े वाले को हम सौ के द्वारा बोलेंगे, तो पहले ये बोलेंगे 400। जब इनको इकाई दाई दो तो इस साइड से देना है, इस साइड से इकाई दाई नाम नहीं देना। तो ये स्थान सैकड़े का है और मैंने ये बताया सैकड़े को सौ के द्वारा बोलेंगे, तो ये कितना है 4 सैकड़ा। 4 सैकड़ा है तो 4 और सैकड़े को बोलेंगे सौ के द्वारा, तो ये हो गया 400। उसके बाद में 3 का नंबर, 3 दाई वाले अंक पर है और मैंने ये बोला 3 जब दाई वाले अंक पर हो तो इसमें दो संख्या एक साथ बोली जाएगी, इकाई और दाई वाली, तो कितना हो गया ये 3 और 7, 37, तो 437। अगला है 0 है, पिन्नू है, फिर 5, तो पहला अंक किसका होगा, इकाई का होगा। दूसरा अंक होगा दाई का और तीसरा होगा सैकड़े। तो 0 वाले स्थान पर सैकड़ वाले स्थान पर क्या है 0, तो फिर यहाँ से पढ़ेंगे 9 है दाई का अंक और मैंने ये बताया जो दाई वाला अंक होता है उसमें दो संख्याओं को एक साथ बोलेंगे, दो संख्या 9 और 5 इसको एक साथ बोलेंगे तो 95। अब तीसरा है
तीसरे में बताया पहला अंक इकाई का होगा, दूसरा अंक दहाई का होगा और फिर होगा सैकड़ा। पढ़ेंगे तो सैकड़ा वाला स्थान बोलेंगे, सात सैकड़ा, और सैकड़ा को मैंने ये बताया आपको क्या बोलेंगे उच्चारण इसका, सौ। तो कितना है सैकड़े पर, सात और फिर सौ, सात सौ हो गया। अब फिर है दाई पर पाँच, दाई पर पाँच है तो मैंने ये बोला दाई वाले अंक और इकाई वाले अंक को एक साथ बोला जाएगा, पाँच और जीरो कितने हो गए, ये पचास हो गए, कितने हो गए पचास। अगला है एक, फिर चार, फिर तीन और फिर है दो। तो पहले बोले इकाई का अंक, उसके बाद में दहाई, फिर सैकड़े और फिर ये एक है हजार वाले स्थान पर। इकाई का अंक कितना है, दो, दहाई का अंक है तीन, सैकड़े का अंक है चार और हजार का अंक है एक। तो क्या बोलेंगे इसको, पहले बोलेंगे एक, एक का स्थान कहाँ पर है, हजार वाले पर, तो ये हो जाएगा एक हजार। इसके बाद में सैकड़ा चार पर है तो क्या बोलेंगे इसको, चार सौ। फिर दाई पर है तीन, और मैंने ये बोला दाई पर यदि कोई संख्या हो तो उसको इकाई वाले के साथ बोला जाएगा, तीन और दो, और तीन और दो को बोलेंगे बत्तीस। तो संख्या हो गई एक हजार चार सौ बत्तीस। अब अगली संख्या को बोलेंगे शब्दों में, तो पहला अंक इकाई का होगा, दूसरा अंक होगा दहाई का, फिर सैकड़ा, फिर हजार। इधर से शुरुआत करेंगे, क्या बोलेंगे इसको, दो। अब आप ये बोलोगे सर पढ़ते तो हमेशा इकाई से है, पहले इकाई का अंक फिर दहाई का फिर सैकड़ा फिर हजार, तो इधर से भी लिखो तो देखो इकाई और दहाई वाला अंक एक साथ बोला जाएगा कितना, सत्तर। कितना हो गया सत्तर। फिर सैकड़ा पर कितना है, चार, तो क्या बोलेंगे, चार, और सैकड़े को किसके द्वारा, सौ के द्वारा, चार सौ, और फिर ये दो हजार पर, तो ये हो गया दो हजार। वैसे पढ़ो तो दो हजार पर है तो ये हो गया दो हजार, चार वाला अंक सैकड़ा पर है तो चार सौ, और दाई और इकाई वाले को एक साथ बोलेंगे तो ये हो जाएगा सत्तर। आगे वाले में ये इकाई अंक है, ये दाई अंक है, ये सैकड़ा, ये हजार और ये हो गया दस हजार। ये चार दस हजार वाले स्थान पर है, पाँच हजार वाले स्थान पर है, सात सैकड़ा वाले स्थान पर है, आठ दाई वाले स्थान पर है और पाँच इकाई वाले स्थान पर है। तो इसको कैसे पढ़ा जाएगा, ये हो गया चार किस पर है, दस हजार वाले स्थान पर है, और मैंने ये बोला जैसे दाई दस हजार, दस लाख, दस करोड़, इनमें दो अंकों को एक साथ बोला जाए। दो अंक कौन कौन से, जैसे ये है दस हजार तो ये हजार वाला है, तो हजार वाला देखो एक अंक और है, ये हजार और ये दस हजार, तो जब हजार वाले में दस हजार और हो तो हजार के दोनों भागों को एक साथ पढ़ा जाएगा, दस हजार वाले को और हजार वाले, तो ये क्या हो गया चार और पाँच पैंतालीस, तो ये स्थान हजार का है,
तो कितना हो गया 45, 45,000। अब इसके बाद में सात वाला अंक सैकड़ा वाले स्थान पर है, तो ये होगा 700। फिर आठ वाला अंक दाई वाले स्थान पर है, और मैंने ये बोला दाई वाले स्थान को इकाई वाले के साथ बोलेंगे, तो आठ और पाँच होंगे 85। अब देखो अगला है, इसमें पहला अंक होगा इकाई का, फिर दाई का, सैकड़ा, हजार, और फिर होगा 10,000। तो इसको बोलेंगे 10,000 पर है, और 10,000 पर मैंने बोला दो अंक एक साथ बोले जाएंगे, 10,000 वाला और 1,000 वाला, तो 10,000 पर 7 और 1,000 पर 0, तो कितना हो गया 7 और 0 दोनों 1,000 के, तो ये हो गया 70। 1,000 वाले स्थान पर 70,000। अब 9 सैकड़ा वाले स्थान पर है, तो 9 और सैकड़ा को बोलेंगे 100। इसके बाद में 7 दाई वाले अंक पर है, और दाई और इकाई को एक साथ बोलेंगे, तो कितने हो गए 76। इस प्रकार से संख्याओं को शब्दों में लिखा जाता है। तो आज का होमवर्क है ये पढ़ेंगे, कोई संख्या अंकों में दे रखी होगी, और इस अंकों वाली संख्याओं को अपन को शब्दों में लिखना है। तो देखो ग्रहकारी आज का संख्याओं को शब्दों में लिखना, ये आज का होमवर्क। इसके बाद भी पढ़ेंगे हमें जो अंक या जो संख्या शब्दों में लिखी हुई है, शब्दों वाली संख्या को दोबारा से अंकों में लिखना, तो ये होमवर्क करना आपको। कल मिलते हैं दोबारा, शब्दों में लिखी हुई संख्याओं को अंकों में लिखने के साथ। इसके बाद संख्या देखेंगे कौन सी संख्या
बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है, और फिर चेकेंगे संख्याओं को आरोही कर।